बीजेपी की पहली लिस्ट आई लेकिन इंदौर के प्रत्याशी का नाम नहीं आया, तभी लग रहा था कि शंकर लालवानी का क्या टिकट कटने वाला है, और अब टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भरे मंच से कह दी। और कैलाश विजयवर्गीय की बात अगर आप सुनेंगे तो आप भी मान जाएंगे कट गया है शंकर लालवानी का टिकट, और कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर बड़ी बात भी कह दी, सुनिए। ऐसे उड़ते उड़ते खबर मिली, पता नहीं लगी कोई महिला सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला को लाओ, वो सेफ सीट से लाओ। कौन कविता यादव तैयार है? कविता जी तैयार है आप? अरे बहुत अच्छा। इसमें से बताओ, अगर बाय दी वे प्रधानमंत्री कहे कि हम कौन कौन लड़ने को तैयार है, इसमें से तो बताओ कितने लोग लड़ने को तैयार हैं लोकसभा? तो कैलाश विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं इस बात को कि शंकर लालवानी का टिकट कट रहा है और महिला को टिकट मिलने की बात है, महिला को टिकट देने की मंशा खुद पीएम की है कि किसी एक सेफ सीट से महिला को लड़ाया जाए, इंदौर वो पार्टी की सेफ सीट है और महिला को टिकट मिलेगा। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कही और इंदौर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता है उनका नाम लेकर भी कहा कौन कौन लड़ना चाहता है चुनाव, तो फिर महिलाओं की आवाज़ भी आई थी जो आपने सुना होगा कि हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, कैलाश विजयवर्गीय हास्य व्यंग में भी कई बार कहते हैं, बातें करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच या अपने जीवन में, लेकिन चूंकि बड़ा मसला है ये, शंकर लालवानी की टिकट कटने की पहले से ही आहट थी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता अगर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं तो ये मानिए कि पार्टी ने पहली लिस्ट में इंदौर से नाम घोषित नहीं किया। उसके अभिप्राय सीधे तौर पर इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि शंकर लालवानी का टिकट कट चुका है, नहीं तो पार्टी पहली लिस्ट में नाम घोषित कर देती। और कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इस बात को लेकर जो बात रखी कार्यकर्ताओं के बीच में उससे भी इशारा मिला, क्योंकि पार्टी दरअसल अगर महिला प्रत्याशी को उतारना चाहती है तो उसकी एक वजह यह भी है कि पार्टी 33% आरक्षण के तहत जो महिलाओं को लेकर बात करती है सम्मान देने की, तो पार्टी मध्य प्रदेश में भी चाहती है करीब 33% महिलाओं को टिकट मिले। इंदौर सेफ सीट है, ये बात बिल्कुल सच है, बीजेपी का गढ़ है और पार्टी चाहती है एक अरसे बाद, क्योंकि सुमित्रा ताई यानी सुमित्रा महाजन यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, वो सांसद भी रहीं, लोकसभा अध्यक्ष भी बनी, तो अब पार्टी चाह रही है कि एक बार फिर से इंदौर से कोई महिला प्रत्याशी उतारा जाए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। यही वजह है कि इंदौर सीट को सेफ सीट मानते हुए पार्टी ने शायद प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने इतना तो जरूर बता दिया कि टिकट कट चुका है और पार्टी किसी महिला प्रत्याशी को शायद मैदान में उतारने वाली है। आप देखते रहें।